वेलकम टू PSP शो। आज हम आपको निंटेंडो स्विच की चार्जिंग पोर्ट का बताएंगे कि चार्जिंग पोर्ट जो है वो कैसे चेंज होती है। तो आइए वीडियो देखते हैं कि ये कैसे रिप्लेस होती है। आज हम आपको ये इसकी चार्जिंग जो पोर्ट जो है ये पोर्ट चार्जिंग वाली ये डैमेज है, इसको हम रिप्लेस करने का बताएंगे आपको ये कैसे रिप्लेस होती है। तो सबसे पहले हम इसको कवर करेंगे। हीटिंग की वजह से ये बाकी कंपोनेंट्स में किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम या वो मेल्ट ना हो जाए, इसलिए ये हम इसको कवर करने के लिए ये टेप का इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके बाद हम इसको पेस्ट लगाएंगे। ये डैमेज हुई थी इसलिए हमने इसको उतार दिया और दोबारा जो है ना हम इसके ऊपर रिप्लेस करेंगे, नई लेके इसके ऊपर हम लगाएंगे नई पोर्ट। सबसे पहले हमने इसको क्लीन किया। हम सकर की मदद से इसके जो पॉइंट्स होते हैं उनको हम नीट एंड क्लीन करने के लिए सकर का इस्तेमाल करते हैं
कि हमारी जो पोर्ट है वो इजीली इसके ऊपर रिप्लेस हो सके। ठीक है, ये हमारे जो है ना वो जो पॉइंट है वो क्लियर हो चुके हैं। इसके बाद हम इसके ऊपर ये पोर्ट जो है वो चार्जिंग पोर्ट हम नई रिप्लेस करने लगे। ये नई सबसे पहले हम इसकी बेस बनाएंगे कि इजीली जो है ना उसके ऊपर लग सके। मेल्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं नाजुक होती है इसकी बोर्ड। हम हल्का हल्का इसको नीचे से हीट करके इसको अपनी जगह पे जो है ना वो स्टेबल कर। गाइस ये अपनी जगह पे बैठ चुकी है। अब हम इसके जो ग्राउंड है उसको हम करेंगे। ओके, ये इसकी सपोर्ट होती है। ये हमारी जो है ना पोर्ट लग चुकी है। अब हम इसको बंद करके फिर चेक करते हैं कि आया कि हमारी ये चार्जिंग प्रॉब्लम सॉल्व हुई है कि नहीं, कि ये चार्जिंग कर रहा है कि नहीं। ओके, थैंक यू। ये हमने इसकी चार्जिंग पोर्ट इसकी लगा ली है। हमने इसको बंद करके अब चेक करने लगे हैं कि आया कि ये हमारा चार्जिंग का प्रॉब्लम जो था वो फिक्स हुआ है कि नहीं। ये इसका चार्जर और ये हम इसको टेस्ट करते हैं। ये हमारी पैनल की जो है वो स्ट्रिप भी लग गई है। उसके बाद ये चार्जिंग जैक भी लग गया और ये हम अब चार्जिंग चार्जर लगा के इसको चेक करते हैं। ये चार्जिंग मोड पे गया, ठीक है। ओके, वेल डन, ये रेडी हो चुका है, डन हो गया। ये चार्जिंग पे ये जा रहा है। ओके, थैंक यू।